गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं जनाब? मैं हूं आपका फ्रेंड शेफ नितिन, और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसा चल रहा है आपका काम वाम? तो काम वाम तो चलता रहेगा, साथ में आपको कुछ नया और सिखा देते हैं। हालांकि आप लोग अब बहुत ज़्यादा होशियार हो चुके हो, केक बनाने आप लोगों को आ चुके हैं, लेकिन जो नए जुड़ रहे हैं उनको बताना भी ज़रूरी है। तो ये 5 इंच के मोल्ड में मैंने ये वनीला स्पॉन्ज बनाया है, ठीक है, 150 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर से। तो आज आप देख रहे होंगे रियल स्पीड, इस स्पीड में हमारा काम होता है। तो मतलब अब आपको पता चल गया होगा, नहीं तो हर बार मैं फास्ट फॉरवर्ड पे ही रखता था। अब देखो, ये फ्रीज़र से निकाला हुआ स्पॉन्ज था, तो नीचे से थोड़ा स्टिकी था, उसको हटा दिया, ऊपर से भी स्टिकी था, उसको हटा दिया। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि स्टिकी हो जाता है, क्या को टेंशन लेते हो इतना, निकाल दिया स्टिकी पार्ट, नो स्पॉन्ज रेडी हो गया। सोक क्यों नहीं करते हो? कस्टमर जिस दिन कंप्लेंट करेगा उस दिन कर लेंगे सोक, क्योंकि बहुत सारे डेजर्ट में नहीं होती है सोकिंग, बहुत में होती है। अभी इसको करना चाहो आप लोग करो, नहीं करना चाहते हैं मत करो, ऑप्शन तो आपके पास है, कोई पकड़ के आपको बैठाएगा नहीं कि ये मैंडेटरी है, ऐसे ही करना है, पत्थर की लकीर खींची है, ठीक है। तो आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा करो, आपका कस्टमर जैसा फीडबैक देता है, बोलता है ड्राई है तो शुगर सिरप से सोक करो, अब बोल देते ज़्यादा सॉफ्ट है बहुत, कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई आपका आपका तो स्पॉन्ज मतलब कट ही नहीं रहा था केक, तो फिर मत करो। क्योंकि हम तो देखते हैं इतने साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, 10-11 साल, तो आदत हो जाती है, पता चल जाता है। और बाकी सारी चीज़ें कस्टमर के फीडबैक पे ही डिपेंड होती है, और उसी को आगे हम नोटिस भी करते हैं, और उसी को हम यूज़ करते हैं आगे अपने प्रोडक्ट के लिए कि कैसा फीडबैक रहा था। वनीला बना रहा हूँ आज, वुमेंस डे तो कल था, तो वुमेंस डे के लिए विश मैंने कर दी थी, लेकिन केक भी ये कल बनाया था, तो वीडियो के एंड में मैं और दिखाऊंगा आपको। हालांकि हमने मतलब 10 या 12 केक बनाए थे, एक ही डिज़ाइन हम कॉमन रखते। देखो हमारा सीधा सा फंडा रहता है, हमें ये पता है कि कोई भी ओकेजन आ रहा है तो हम एक दो ही डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं सिंपल से, ठीक है, फिर उसी का ट्रेंड चलाते हैं अपने व्हाट्सएप पे या अपने अदर सोशल मीडिया पे। तो उससे क्या रहता है, हमें जो मीज़ अप्ला करने में बहुत इजी रहता है, क्योंकि आप लोग बोलोगे वुमेंस डे स्पेशल, और कोई अपना डिज़ाइन दे रहा है, कोई अपना डिज़ाइन दे रहा है, फिर आप बना नहीं पाओगे। तो आपको अपना डिज़ाइन देना है जो आपको लगे कि डिस्काउंट भी दूंगा तो भी मेरे को चल जाएगा और ये इजीली बन जाएगा, ऐसे अगर मेरे को 20-30-50 केक भी बनाने पड़ेंगे तो। क्योंकि हमने तो जब लास्ट मोमेंट में ही हमें जैसे सुबह पता चला था, तो हमने इतनी ज़्यादा तैयारी भी नहीं की थी, पर ठीक है, अपना 10-12 केक सिर्फ वुमेंस डे के आ गए थे, और बाकी मदर्स डे फादर्स डे पे ज़्यादा आते हैं। तो हाइट वाला केक ये बनाना है हमें, काफ़ी दिन अच्छा रहा हमारा, ऐसा नहीं है, और काफ़ी अच्छा भी चल रहा है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, सेल नहीं हो रही है, सेल नहीं हो रही है। देखिए सेल ना होने के कारण ऐसा कुछ नहीं है, कारण कुछ नहीं है, आपकी एक तो परफेक्ट फिनिशिंग, परफेक्ट फोटोग्राफी, परफेक्ट क्या कहते हैं उसे पैकेजिंग। अब साथ में ना आप लोग सारे जितने भी सोशल मीडिया है ना उस पे अपने आपके पेज को प्रमोट करो, जैसे मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था गूगल माई बिजनेस पे आप करिए, ठीक है, वहाँ से तो आते ही हैं क्योंकि आपका आउटलेट पास में रहता है, तो कोई भी सर्च करेगा, रिव्यूज़ पढ़ेगा तो वो कॉल कर लेंगे अगर फ़ोन नंबर है तो, ठीक है, फ़ोन नंबर डालना भी ज़रूरी है। बाकी आजकल जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, जो एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, जो डिज़ाइनर बास्केट है, कभी ये लेते हैं, कभी वो लेते हैं, लाइट वाला केक लगा रहे हैं, कोई LED वाला, कोई केक स्पेसर लगा के, तो जो रंग बिरंगे अतरंगी से केक मांगते हैं, तो उनके लिए फिर वो अदर सोशल मीडिया है, वहाँ से ट्रेंड बहुत पकड़ते हैं। क्योंकि सिंपल केक्स में देखो और डिज़ाइनर केक में मटेरियल वही लगता है, बट आपकी मेहनत जो होती है डिज़ाइनर केक में जो लगाते हो ना, उसकी फिर आपको लागत भी मिलती है। आपने मान लीजिए, चलिए मैंने जैसे ये केक बनाया है, अब ये हमने बनाया है कस्टमाइज़ करके, अब जो भी नॉर्मल रेट है आपका या हमारा वनीला केक का, उससे मैंने ये 150 रुपये एक्स्ट्रा में दिया। क्यों? अब ज़्यादा मेहनत तो नहीं थी, लेकिन इसकी पैकिंग बहुत ही सुपर थी, और साथ में एक हमने क्राउन भी लगाया था, तो बस। लेकिन देखो केक भी हो गया और अब पैसा भी अच्छा खासा मिल गया।
ठीक है, पैकिंग के लिए सॉरी मैं भूल गया था, क्योंकि ये शाम को फिर वही है ना, मैं बनाता हूँ दोपहर ही में और पिकअप शाम को होता, कई बार मैं नहीं कराता तो इसलिए वीडियो रह जाती है। लेकिन विंडो बॉक्स लगाया था, वो भी कितनी साइड विंडो थी उसमें, पांच, तो पांच साइड विंडो बॉक्स में जब ये दिया था तो सोचो आप लोग पैकिंग कितनी बढ़िया लग रही होगी। तो काम तो करते रहना है, और काम नहीं करेंगे, ट्रेंड के हिसाब से चेंज नहीं होंगे, तो फिर उन्हीं बेकरियों की तरह गायब हो जाएंगे जो आज से आपने बचपन में भी देखी होगी 30 साल पहले अपने, कि वो वहाँ पे थी और आज भी है, तब भी वो उतनी बड़ी थी और आज भी उतनी बड़ी है। तो आप लोगों को वैसा नहीं बनना, कुछ अलग हटके बनना है तो फिर कुछ अलग हटके करना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश ये कीजिए जल्दी से जल्दी आपके हाथ में फिनिशिंग आए। टेस्ट डेवलप करने के लिए देखो क्रीम वगैरह ही सब यूज़ करते हैं, कोई स्पेशल ट्रिक कोई यूज़ नहीं करता, अच्छी क्वालिटी क्रीम यूज़ करोगे। बट ये है कि आप कितना फ्रेश दे रहे हो उसको, आई अपीलिंग कितना बना रहे हो, क्योंकि सबसे पहले जब भी कस्टमर के पास जाएगी पैकिंग जाएगी, फिर जब वो बॉक्स खोलेगा उसके बाद उसको केक दिखेगा। अब दोनों ये चीज़ परफेक्ट हो गई, तो क्योंकि पहले तो आँखों से ही खाएंगे ना। तो ये जो बोर्ड है 8 इंच का बोर्ड है और हाइट देखो अच्छी खासी आ गई है, ये वाइट कलर की बॉल है, वाइट पर्ल लगाएंगे। अब ये लगा रहे हैं क्राउन, ये क्राउन भी मैंने बहुत सारे मंगा के रखे थे, पता है कुछ ना कुछ एक बार फोटो खींचेगा तो दोबारा ऑर्डर आएगा ही आएगा, तो इसलिए बहुत सारे मंगा के रखे थे। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, भूल ही गया मैं तो बात को अपनी, अब समझे आप, आँख से तो खाते ही हैं, समझ गए ना, आँखों से कैसे खाना, मतलब आँख में नहीं डालना, आँखों से खाते देखते हैं, साथ के साथ नाक से भी खाते हैं। जब आप कोई भी चीज़ खाओगे तो अगर उसमें कोई फ्लेवर नहीं है तो उसका जो अरोमा है वो नाक में अगर नहीं आएगा तो टेस्ट भी नहीं आता। ठीक है, तो फ्रेशनेस रहेगी, अपने अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो ठीक है, इसमें कोई इतना काम तो है नहीं वैसे अरोमा का, बट ठीक है। कानों से भी खाते हैं, आपको पता है कानों से कैसे खाते, जब आप बाइट करते हो किसी चीज़ का जो टेक्सचर होता है उसको, जो माउथ फील आती है वो कानों में सुनाई भी देती है, जैसे आप चिप्स खाते हो कई बार आवाज़ आती है ना क्रंच की, तो उससे क्या फील होता है, कितना क्रंची है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन आपने ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ये हम इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया ज्ञान की बातें हैं, वैसे तो ये सीखने को मिलता भी है, कान से भी खाना, नाक से भी खाना, आँख से भी खाना, मुंह से तो खाते ही हैं, तो ठीक है, ओवरऑल एक्सपीरियंस होना चाहिए एकदम वंडरफुल। अब देखो ये डिज़ाइन ऑलमोस्ट घूम फिर के बहुत सारे केकों में हमने बना लिया है, लेकिन फिर भी चल रही है, तो इसका मतलब अभी चल रही है तो इसको और रगड़ेंगे, ठीक है, और इसे और करेंगे, जब ये चली जाएगी आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगी, इसको हटा के नया कुछ ले आएंगे। तो इस तरीके से आपको काम करते रहना है, छोटा सा बॉर्डर मैंने इसलिए बना दिया था ताकि जो जो जॉइंट है वो कवर हो जाए। तो इस तरह का ये हमारा केक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, लाइक करो वीडियो को भी, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, ज्वाइन करो। ये रहे हमारे वुमेंस डे के केक, तो आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।